सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे तथा आपके परिवार के सभी लोग घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पार्ट 2 पढ़ेंगे। आज का हमारा दूसरा पार्ट है वर्ण विचार। पार्ट 2, वर्ण विचार। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पार्ट 1 भाषा बोली लिपि और व्याकरण में आपको ये बताया था, व्याकरण में कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं, व्याकरण के कितने अंग होते हैं? 3, जिसमें पहला है वर्ण विचार। आज हम वर्ण विचार को आपको बताएंगे, समझाएंगे कि क्या होता है वर्ण विचार। बच्चों, भाषा का मूल आधार ध्वनि है। ध्वनियों के लिखित रूप को ही वर्ण कहते हैं। ध्वनियों या वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य। ये देखिए बच्चों, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, मोर नाच रहा है। इस वाक्य में 4 शब्द हैं। ये शब्द अनेक ध्वनियों से बने हैं। क्या शब्द लिखा है मैंने? 4 शब्द वो कौन से हैं? मोर नाच रहा है। अब देखिए, ये जो है ये क्या है? इनकी ध्वनियां हैं। अब हम मोर को जब बोलेंगे तो मोर को बोलते समय मुंह से ध्वनि निकलती है, जैसे म घन ओ, क्या हो गया? मो धन र धन अ। कैसे पढ़ेंगे? मो अ, आ के बाद क्या सुनाई दे रहा? र अ, मोर। फिर देखिए क्या लिखा है, नाच। अब नाच को बोलने के समय क्या ध्वनि निकलती? न। ना के बाद क्या आवाज आ रही है मुंह से? कौन सी ध्वनि निकल रही? न आ की। तो ना धन आ धन च, चा, चा के बाद क्या सुनाई दे रहा है? कौन सी ध्वनि आ रही है? जब आप मुंह से बोलेंगे बच्चों तो आपको खुद से समझ में आएगा। तो चा के बाद क्या आ रहा है? चा। आखिरी में क्या ध्वनि निकल रही है? आ की। तो क्या हो गया? ना धन आ धन चा धन आ, मतलब नाच। फिर तीसरा है बच्चों रहा। रहा बोलने के लिए भी रा धन आ र हुआ, धन हा धन आ र हा। ठीक है बच्चों। फिर क्या है चौथा वर्ब शब्द? है। ह धन ए, ये क्या हुआ? है। आखिरी में क्या सुनाई दे रहा है? ए, तो है। ठीक है, मोर नाच रहा है। ये क्या हमारे शब्द है, 4 शब्द, और ये उनकी क्या है? ध्वनियां हैं। ये ध्वनियां ही वर्ण कहलाती हैं। ध्वनियां वास्तव में मुंह से उत्पन्न होती हैं, किंतु भाषा में उनके लिए कुछ निश्चित चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ध्वनियों के ये चिन्ह ही क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। समझ में आया बच्चों आपको? अब हम देखेंगे वर्ण। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जिनके और खंड नहीं हो सकते। इसे हम फिर से देखेंगे बच्चों। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जिनके और खंड, खंड का मतलब होता है टुकड़े, नहीं हो सकते। वह मूल ध्वनि जिसके और खंड ना हो सके क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। जैसे आ ई म न र आदि। ठीक है बच्चों, ये क्या है? मूल ध्वनि। अब हम देखेंगे वर्णों का शुद्ध उच्चारण ही शुद्ध लेखन में सहायक होता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई
होने के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण और अनिवार्य इकाई भी है। इसीलिए किसी भाषा के लिए सबसे पहले उसके वर्णों को सीखना पड़ता है। बच्चों, जब हम वर्णों को अच्छे से पढ़ना सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, तभी हम उनका शुद्ध उच्चारण कर पाते हैं और उसको अच्छे से लिखने में हम आगे लिख सकते हैं। इसलिए सबसे पहले वर्णों का सीखना बहुत जरूरी है। बच्चों, अभी आपको मैंने बताया वर्ण, अब हम देखेंगे वर्णमाला। बच्चों, वर्णमाला क्या होती है? वर्णमाला जानते हैं आप लोग? वर्णमाला वो होती है जिसमें कि क्या लिखा रहता है, पूरा छोटा आ से लेके आहा तक, काखा गागा, वो क्या होती है, पूरी वर्णमाला। वर्णमाला शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, वर्ण धन माला। जिस प्रकार माला में फूलों को एक क्रम से गूंधा जाता है, वर्णमाला में वर्णों को भी एक क्रम में रखा जाता है। जैसे कि बच्चों, जब हम माला बनाते हैं तो एक के बाद एक मोती लगाते जाते हैं, तो क्या बन जाती है, पूरे मोती को जोड़कर एक माला बन जाती है। उसी प्रकार वर्णों को भी एक के बाद एक दूसरे वर्ण लिखे जाते हैं, उससे क्या बन जाता, पूरी वर्ण माला बन जाती है। इस प्रकार वर्णमाला का अर्थ होता है वर्णों का क्रमबद्ध समूह। जब एक साथ सारे लिखे होते हैं वर्ण, उसे क्या कहते हैं, वर्णमाला। अब हम देखेंगे बच्चों वर्णमाला की परिभाषा। किसी भी भाषा के वर्णों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक भाषा की एक वर्णमाला होती है। हिंदी की भी एक वर्णमाला है। क्या है, अभी मैंने आपको शुरू में बताया था ना, छोटा आ से यहाँ स्वर और का से गया व्यंजन। स्वर और व्यंजन, ये क्या है, हिंदी की वर्णमाला। समझ में आया बच्चों आपको? स्वर बताया बच्चों मैंने आपको कि वर्णमाला में क्या होता है, सबसे पहले स्वर। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी बाधा के मुख से बाहर निकलती है, तथा जिनके उच्चारण में किसी की सहायता नहीं ली जाती, वे स्वर कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। आपको पता है बच्चों कौन कौन से वो 11 स्वर हैं? जानते हैं आप लोग? आ, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ, ऋ से ऋषि, ए, ए, ओ और औ। ये क्या है, हमारे 11 स्वर हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको कि स्वर क्या होते हैं? अब हम देखेंगे स्वर के भेद। स्वर के मुख्य तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तीन। वो कौन कौन से हैं तीन भेद? पहला, समय का आधार। दूसरा, उच्चारण का आधार। और तीसरा, उच्चारण स्थान का आधार। बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको आज का पार्ट दो वर्ण विचार का भाग एक जो मैंने आपको बताया समझ में आ गया होगा। बच्चों, स्वर के भेद जो अभी ये तीन भेद हैं, ये हम आपको भाग दो में बताएंगे। सभी बच्चे जो भी आज मैंने पढ़ाया है, इसका अच्छे से अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।